नंबर 27 देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x और y है यहाँ पे, तो यहाँ भी आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो वही है, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू u मान लेते हैं और 1 बाई वाई इक्वल टू वी मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो हो जाएगा आपका ऊपर पहला समीकरण हो जाएगा 2u 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, समीकरण एक। और दूसरा हो जाएगा 5u माइनस में 4v इक्वल टू माइनस का 2, ये समीकरण दो। तो एक काम करते हैं, समीकरण एक में हम गुना कर देते हैं 4 से और समीकरण दो में गुना कर देते हैं 3 से, ताकि भी वाला सेम हो जाए। लिखेंगे समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर चलो, तो 4 से गुणा करोगे तो 8u प्लस में 4 तिया 12 भी बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 है ना। चलिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 15u और माइनस का 12 भी बराबर माइनस 6। ये देखो प्लस माइनस पहले से ही है, कट जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 और 8 23, 23u बराबर में ये देखो यहाँ पे आपका घट जाएगा 56 में से 6 गया तो 46 आ जाएगा, क्या 46 आ जाएगा, ठीक है 46 आ जाएगा। यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया, ये जाके भाग में करेंगे ना तो u बराबर आ जाएगा 2, 23 दूना 46। अब लिखेंगे u का मान समीकरण चलो किस में रख दिया जाए, पहले वाले में रख दिया जाए, एक में रखने पर तो समीकरण एक है आपका यही वाला ना, 2u प्लस 3v बराबर में 13, u की जगह रख देते हैं, चलो यहाँ पे u की जगह पे 2 रख देते हैं, 2 गुना 2 प्लस 3v बराबर में 13, 2 दुना 4 हो जाएगा, 4 जाके यहाँ पे घटा दो 13 में से, 13 में 4 गया 9, यानी कि v बराबर ये जाके भाग में 9/3 कट गया आपका 3 आ गया, तो v का वैल्यू आपका 3 हो गया और u का वैल्यू 2। लेकिन हमें तो निकालना था यहाँ xy का, तो हमने चूंकि 1 बाई एक्स बराबर u माना है और 1 बाई वाई बराबर v माना हुआ है, यही ना माना है, तो चलिए u और v का वैल्यू रख देते हैं, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ से 1 बाई वाई इक्वल टू 3। देखो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 1 बाई 2 और y बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया। अब देखो इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, बिना कुछ माने 1/x और 1/y को बिना कुछ माने हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसको समीकरण एक लेंगे, इसको समीकरण दो लेंगे, इसमें आप सिंपली आप 4 से गुना करो और इसमें 3 से गुना करो, देखो y वाले सेम हो जाएंगे ना, बटा के नीचे तो उसे कोई डरने वाली बात नहीं है यार। आप सीधे 4 से गुना करो तो 8/x और प्लस में 12/y बराबर में 13 चौका 52। यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो 15/x और माइनस का 4 × 3 = 12/y बराबर में हो जाएगा माइनस का 6। सीधे ये देखो ये कट जाएगा 23/x बराबर में 46, ठीक है। देखो अब एक काम करो, ये जाके इसमें गुना करेगा तो 46x बराबर हो जाएगा 23, एक्स बराबर 23/46 सीधे कट गया 1/2। तो x का मान 1/2, समीकरण एक या दो में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर चलिए एक में रखते हैं, तो समीकरण एक आपका क्या है, तो ऊपर यहाँ है ना 2/x 3/y = 13, 2/x प्लस 3/y बराबर में 13। चलो x की जगह क्या रख देना है, 1/2 ना, चलो यहाँ पे रख देते हैं x की जगह 1/2, 3/y इक्वल टू 13, ये ऊपर जाके गुणा करेगा तो 4 + 3/y बराबर में 13, ये जाके उधर घट जाएगा तो 3/y बराबर में आ जाएगा 9, यानी कि 9y इक्वल टू हो जाएगा 3, वाई बराबर आ जाएगा 3/9 कट जाएगा 1/3। तो देख लिया ना, यहाँ से भी आपका वही आया, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। समझ में आया, किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28